तो दोस्तों ये सारे नेशनल इंटीग्रेशन जो प्रॉब्लम्स है, कभी कहते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे दिल को छूता है, हमारे दिल में एक आघात जो है उत्पन्न करता है, पीड़ा देता है, हमें कष्ट देता है, घोर कष्ट देता है। तो वे कहते हैं कि हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो राम राज्य में था, जो राम राज्य में था, इसलिए वैसा ही समाज हमको चाहिए। वे बात यहाँ पर ग्रास जो है, आप देख रहे हैं ग्रास जो है वो सिग्निफाई करता है यहाँ पर डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, पीस या कह सकते ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। तो यहां पर देखिए ट्रैंक्विलिटी हटा देते हैं, पीस या एमिटी कर देते हैं, एमिटी, पीस या एमिटी। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि ये घास हुआ, यहाँ पर जो रूट है, रूट वो ये सब है, वो ये सब है। वो चाहते हैं वाल्ट विटमैन कि जो रूट जो है ग्रास का रूट अर्थात डेमोक्रेसी हो, ह्यूमैनिटी मानवता का स्थापना हो, भ्रातृत्व की भावना जागृत हो, एकता, सबों में एकता की भावना जागृत हो, सबों में शांति, शांति और समझौता की भावना पनपे। लेकिन यहाँ पर जो सूल है वे सभी फैक्टर्स जो बताएं वे सभी यहाँ हैं। तो कभी कहते हैं कि ये सब हटा करके, ये सब हटा करके हमें रूट पर कार्य करना पड़ेगा, रूट के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा ताकि हमारा देश भी विश्व स्थल पर प्रमुख स्थान प्राप्त कर सके। तो दोस्तों ये लाइन तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लाइन, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सोल दिस ईयर। अब कहते हैं कि मेरा जिह्वा, मेरे प्रत्येक, मेरे खून के प्रत्येक कण वह यहीं के भूमि से और वातावरण से प्राप्त हुआ है, हवा से प्राप्त हुआ है, बना है। दोस्तों यहाँ पर हेरिडिटरी सिस्टम का बात कर रहा है, ब्लड रिलेशनशिप बता रहा है कि मेरा जो जीवा है अर्थात मेरा जो शरीर है, इस शरीर में मौजूद जो भी कण है, प्रत्येक कण जो है यहीं के अर्थात अमेरिकन भूमि और अमेरिकन एयर से ही बना हुआ है, अर्थात हम यहीं पर रहे हैं और इसी मिट्टी में पले हुए हैं, इसी पैतृक संपत्ति पर इसके, इसी का उपयोग करके हम रह रहे हैं, यही के वातावरण में मेरा पालन पोषण हुआ है, मैं यही पढ़ा, मैं यही जानकार बना। दोस्तों तो यहाँ पर हेरिडिटरी सिस्टम या ब्लड रिलेशनशिप बता रहा है। अब यहाँ पर बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, अब मेरे माता पिता भी यहीं के हैं, यही जन्म लिए, बर्न हियर फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता भी यहीं के थे जैसे अन्य लोगों के माता पिता, जैसे अन्य लोगों के माता पिता, यहीं से संदर्भित है, यहीं से रिलेटेड है, यहीं उसका एग्जिस्टेंस जो है वह पाया है। तो ये हो गया आपका। अब आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन कहता है, अब वो कहता है वाल्ट विटमैन कि मेरी अवस्था अब 37 की है, यानी मैं 37 वर्ष का हो चुका हूँ, मैं ओल्ड हूँ लेकिन मैं उत्तम स्वास्थ्य में हूँ, अर्थात मेरा कंडीशन ठीक है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और कहता है कि होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, और मैं आशा करता हूँ कि मैं यूं ही जीवन पर्यंत बना रहूँगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना बोल्डनेस है, वो बोल्डनेस के साथ ये स्टेटमेंट को परोसा है। वे कह रहे हैं कि 37 वर्ष की अवस्था है और
मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ, मेरी उत्तम स्वास्थ्य है, मेरा कंडीशन ठीक है, मेरा सभी कल पुर्जा जो है वह टनाटन है। अब वे कहते हैं कि मैं और सोचता हूँ, मैं यह होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक मैं इसी कंडीशन में रहूँगा, मैं ऐसे ही ऊर्जावान रहूँगा, मैं ऐसे ही तरोताज़ा रहूँगा, मैं ऐसे ही फिट एंड फाइन रहूँगा। यहाँ पर एक बात है, वह इसलिए कहना चाहते हैं कि मैं इसी अवस्था में रहूँगा, ऊर्जा में ही रहूँगा, क्योंकि वो समझता है कि मैं मेरी उपस्थिति यहाँ इस दुनिया के लिए अनिवार्य है, अमेरिका के लिए जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि मैं जो राष्ट्रीय शमनव्य के रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो फैक्टर्स राष्ट्रीय समन्वय को चोट पहुंचा रहा है, उसको मैं ऊर्जामयी ढंग से उसे हटाने का प्रयास करूंगा, उसे ध्वस्त करने का प्रयास करूंगा, और विश्व में मैं अपना अमेरिकन देश स्पेशली को विश्व स्तर पर एक अच्छा स्थान दिलाने में सहायक होऊंगा। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं मृत्यु पर्यंत ऐसा ही रहना चाहता हूं कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी रिलीजियस प्रॉब्लम्स है, जो अपने ही में लड़ते हैं, वो अपने ही रिलीजियस को दूसरों के रिलीजियसनेस से ऊपर मानते हैं, और इसी में धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक उन्माद होता है, तो कहते हैं कि ये सभी रिलीजियस फीलिंग्स को हटाना है, क्योंकि यह ब्रदरहुड चाहिए, भ्रातृत्व की भावना हमें चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें मित्रता चाहिए, और हमें प्रजातंत्र की स्थापना चाहिए, कि प्रजातंत्र जो है वह उसका पालन जो है वह करें सरकार, और साथ ही साथ जितना भी जनप्रतिनिधि और जनता है, सभी अपना अपना उद्देश्यों, अपने अपने कार्यों को पूरी ढंग से संपादित करें। मैं वैसा राष्ट्र की कल्पना कर रहा हूँ। अब कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस, कहते हैं कि जो रिलीजियस थॉट्स है, जो रिलीजियस बिलीफ्स है, जो धार्मिक सोच है, धार्मिक मान्यताएं हैं, या दार्शनिक जो भी विचार है या मान्यताएं हैं, उसे मैं नहीं मानता हूं, उसे मैं अस्थगन के कंडीशन में रखना चाहता हूं, मैं उसे नहीं मानता हूं, मैं अपने आइडियल्स पर ही चलूंगा, मैं अपने मोटोज पर ही चलूंगा, मैं अपने प्रिंसिपल्स पर ही, कॉन्सेप्शंस पर ही कार्य करूंगा, मैं अपने जो इंटरनल जो फीलिंग्स है, जो सेंटिमेंट्स है, जो मेरा थिंकिंग है, उसी पर मैं चलूंगा, और मैं रिलीजियस जो थॉट्स है उसको हटाऊंगा, उसको मैं नहीं मानता हूँ, मैं जो दार्शनिक बहुत बड़ा बड़ा फिलॉसफर जो अपना फिलॉसफी दे गए हैं, मैं उसे भी नहीं मानता हूँ, रिटायरिंग बैक, मैं उससे पीछा हटता हूँ कुछ समय के लिए, मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, चूंकि धर्म कहता है सह अस्तित्व में, अस्तित्व की भावना है, उसमें प्रेम है निहित, उसमें दया है, उसमें सह अस्तित्व की भावना है, उसमें परोपकारिता की भावना है, उसमें दयालुता की भावना है। तो कहते हैं कि मैं उस क्रीड्स को, उस स्कूल्स को कुछ देर के लिए स्थगन करना चाहता हूँ, उसे पीछे हटना चाहता हूँ कुछ समय के लिए, वाइल, और जो मेरे पास है, व्हाट दे आर, जो भी मेरे पास है, जो भी मेरा इंटरनल जो है फीलिंग्स है, जो भी मेरा आइडियल्स है, जो भी मेरा मानसिक विचारधारा है, उस पर ही मैं अडिग रहना चाहता हूँ, जो मेरा बिलीफ्स है उसी पर मैं अडिग रहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी रिवर्ड ट्रेडिशन हो या चेरिस्ट कस्टम्स हो, मैं उसको नहीं मानता हूँ, मैं स्वयं को मानता हूँ, हमारे अंदर जो मौजूद विचार है, जो नेचर है, जो प्रकृति है,
उसे ही मैं मानूंगा 100%। अब कहता है कि जो भी मेरे पास है वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है। भले ही क्रीड्स और स्कूल्स का प्रभाव कुछ समय तक रहेगा, यानी नेवर फॉरगॉटन, वो भले ही वह अविस्मरणीय रहेगा, उसे भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए मैं उसे स्थगन में रखना चाहता हूं। क्योंकि यदि क्रीड्स एंड स्कूल्स से यदि मानवता का हनन होता है, यानी ह्यूमिनिटी इन डेंजर में होता है, तो वैसी हमें क्रीड्स और स्कूल्स नहीं चाहिए, उस वक्त हमें नहीं चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो आइडियाज़ है, बिलीव्स है, मोटोज है, डोगमास है, वही काफ़ी है। अब नेक्स्ट लाइन है, आई हार्बर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ फॉर गुड एंड बैड, फॉर गुड एंड बैड। आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। बताऊँ कि मैं महसूस करता हूँ, मैं मानता हूँ गुड और बैड दोनों एस्पेक्ट्स जो लाइफ के हैं, उसे मैं मानता हूँ कि जीवन में जय पराजय, यस अपयस, लाभ हानि, दुर्बलता प्रबलता, इसे मैं मानता हूँ। हर एक चीज का दो एस्पेक्ट्स होता है, मैं मानता हूँ। और मैं गुड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और बैड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दोनों के पक्षधर हूँ, यानी दोनों से मैं सुपरिचित हूँ, मैं दोनों के लाभों और हानियों के बारे में जानता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, लेकिन मैं वो नहीं जो झुक जाऊं, मैं वो नहीं कि झुक जाऊं, मैं यह बात बोलूंगा जो सत्यता है, जो सत्य है, जो अवधारणा सत्य है, मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो कहता है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं प्रत्येक खतरा में भी अपने आप को परमिशन, अपने सोल को परमिशन दूंगा कि तुम आगे बढ़ो, स्टैंडिंग करो। असंख्य कृति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दा हसी, सपूत मात्र भूमि के रुकुन सूर साहसी। तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं, वे भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे उनके पहले भी हुए हैं जो ऐसा किए हैं, जो आगे आने वाले जनरेशन के लिए पथ प्रदर्शक का काम किए हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि मैं भी एक गाइड बनूं दुनिया के लिए, वो भी हमसे प्रेरित हो, इंस्पायर्ड हो। वे कहते हैं कि मैं अपने सोल को, अपने रूह को यह आश्वासन देता हूँ, परमिशन देता हूँ कि कोई भी हर्डल्स हो, कोई भी डिफ़िकल्टीज हो, लेकिन तुम स्टैंडिंग करो। यदि सत्य का हनन होता हो या मानवता झुकता हो तो तुम खड़े हो। तो कहता है कि मैं अपने रूह को या इतला देता हूँ, क्योंकि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कहा कि मतलब स्वतंत्र रूप से जो मेरा नेचर है, जो मेरा आदत है। यहाँ पर दो सेंस में नेचर का प्रयोग किया गया है, नेचर तो एक आदत के रूप में भी, आदत, और नेचर प्रकृति के अर्थ में भी, दोनों सेंस है। यहाँ पर कहता है कि नेचर ने हमें कॉस्मिक एनर्जी दिया है, हमारे अंदर एक हिडन एनर्जी दिया है, उस एनर्जी को यदि हम पहचान लें, उस जो गुप्त, जो कंसील्ड एनर्जी है, उसे यदि हम पहचान लें तो हम न रुकेंगे, न थकेंगे, और हम ऊर्जावान रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं बोलूँगा, मैं सभी के अगेंस्ट में खड़ा होऊंगा, क्योंकि यह मेरा नेचर है, और नेचर ने जो हम में कॉस्मिक एनर्जी दिए हैं, उस एनर्जी से मैं ठीक हूँ, स्फूर्तिवान हूँ, मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास ओज है, मेरे पास वीगर है, मेरे पास स्ट्रेंथ है,
मेरे पास पावर है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और बिना मतलब स्वतंत्रता पूर्वक मैं अपने ओरिजिनल जो मेरा एनर्जी है उसके साथ होकर के मैं सारे विघ्नों से लड़ने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक तैयार हूँ। तो ये दोस्तों, ये रहा आपका सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ वाल्ट विटमिन द्वारा रचित कविता। ये बहुत ही फिलोसफिकल पोम है, और यह जो सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ है, यह कविता लीव्स ऑफ ग्रास में संकलित है। दोस्तों, कितना अच्छा, कितना सुंदर ढंग से ये पोम लिखा गया, और कितना फिलोसफिकली ये लिखे हैं। और पहला लाइन तो बहुत ही खूबसूरत है, जो हम लोग करते हैं सोचते भी नहीं हैं वो सोच लिए हैं वाल्ट विटमैन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं में सेलिब्रेशन करता हूँ, स्वयं में गुनगुनाता हूँ। क्योंकि यदि संत चितता रहती है, प्रसन्नता रहती है, तो कोई भी लोग वह अच्छे अपने समय को व्यतीत करते हैं, वह चिंता रहित अपने समय को व्यतीत करते हैं, उन्हीं का दिन जो है अच्छे ढंगों से गुजरता है। एक कहा गया है कि दिल में हो कसक तो हर बात बुरी लगती है, दिल में हो कसक तो हर बात बुरी लगती है, सामने हो लाश तो बारात बुरी लगती है। तो दोस्तों, चूँकि कसक यदि रहेगा तब हमें कष्ट की अनुभूति होगी, तब जो मतलब मेरे मुंह से गीत नहीं निकलता है। तो यहाँ पर तो वो आनंद चित है, वह सोचता है कि भगवान हमें भेजा है और हमें आनंद स्वरूप बनाया है, तो क्यों ना मैं आनंद में रहूं। इसलिए वह अपने अंदर मौजूद जो आत्मा है उसी का निरीक्षण करता है, बिहोल्ड करता है, अपने में ही प्रसन्नचित रहता है, सेलिब्रेट करता है, स्वयं में वह गीत गाता है, गुनगुनाता है। तो दोस्तों, ये था आपका पोएम सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। इसे समझने में यदि थोड़ी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो आपको, तो हमें बताएं कौन सा लाइन में आपको प्रॉब्लम हुआ है। मैं इसे फिर से एक वीडियो जो है सारांश में बना करके आप तक प्रोवाइड करने का काम करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ समाप्त होता है, और हम देख लिए कि वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ में क्या कहना चाहते हैं, वो किस चीज़ के प्रति वह गीत गाए हैं, वह किस थीम को लेकर के चले हैं, किस कॉन्सेप्ट को लेकर के चले हैं, वे सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने में परोसा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं, और इसका जो क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है उसे हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I-